फिलहाल इस समय मैं आया हुआ था भोपाल के डीबी मॉल में, और यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है शोकेस पे लगी है। और यहाँ पर हमारे सामने आप जो देख रहे हैं गाड़ी, वो है थार का टॉप मॉडल LX जो आता है। तो भैया से मैंने परमिशन ली, उन्होंने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दे दी। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ऑडियंस को दिखा देते हैं हम महिंद्रा थार का वॉक अराउंड। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर का वॉक अराउंड दूंगा, इंजन दिखाऊंगा, एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाऊंगा, और फिर हम इसकी जो प्राइसिंग है उसके बारे में भी भैया से पूछ लेंगे। तो सबसे पहले थार के फ्रंट डिज़ाइन की अगर बात करूँ तो पूरा ही आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हो गया है, जो पुरानी वाली थार है उससे तो मतलब अलग ही है, लेकिन जो जीप रेंगलर से थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ इसका जो डिज़ाइन वो है। सामने की तरफ आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके के हैं इस गाड़ी में फोग लैम्प्स जो कि हेलोजन ही हैं। और सामने की तरफ ये जो बम्पर्स आपको दिख रहा होगा, इस पर जो फिनिश है वो तो मतलब थोड़ी सी मेटल वाली दी है, लेकिन ये प्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ पर आपको थार की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, और ये हैं कुछ इस तरीके के इसमें इंडिकेटर्स। ये इसमें DRL भी आते हैं क्या, थोड़ा सा ऑन कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स के ऊपर आपको जो DRL हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साइड डिज़ाइन की मैं अगर बात करूँ तो कुछ इस तरीके का जो गाड़ी का जो साइड लुक है वो देखने को मिलता है, काफ़ी लंबा चौड़ा सा आपको बोनेट देखने को मिलता है। फेंडर के ऊपर यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर थार की बैजिंग है, और आपको मिरर्स में भी थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो साइड से लुक है कुछ इस तरीके का देखने में लगता है। यहाँ पर 4x4 की बैजिंग है, और जो टायर की प्रोफाइल्स है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर 18 इंच के 255/65R18 के आपको टॉप वेरिएंट में टायर्स देखने को मिल जाते हैं। जो एलॉयज की डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है, और ये डायमंड कट नहीं है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक है दोनों टायर्स में, और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिल रहे हैं। जो डोर हैंडल है वो भी आपको जो क्रोम है उसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो की का है वो इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके की कोई कीलेस एंट्री का ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। पीछे की तरफ मैं आपको अगर महिंद्रा थार का व्यू दिखाऊं तो थार में हमेशा से ही पीछे की तरफ ये जो स्टेपनी आती है ये इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती है। और पीछे की तरफ ये जो हैं आपको यहाँ पर ब्रेक लाइट्स देखने को मिल रही होगी, ऊपर की तरफ इसमें इंडिकेटर हैं, और नीचे की तरफ आपको रिवर्स लाइट देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ बम्पर पर दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और दो पार्किंग सेंसर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो स्टेपनी है उसकी प्रोफाइल भी सेम जो चारों टायर हैं उनकी तरह ही है, 255/65R18। तो ये हमने एक्सटीरियर लुक देख लिया है महिंद्रा थार का, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये ब्लैक कलर है, साइड में आपको जो फुट स्टेप देखने को मिल रहा है ये वाला, ये जनरली आफ्टर मार्केट से आपको लगता है, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट में आपको इनबिल्ट ही देखने को मिल जाता है महिंद्रा की तरफ से। कुछ इस तरीके का इस गाड़ी में आपको एंटीना देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो पुरानी वाली थार थी उसमें पोजिशनिंग ऊपर की साइड थी, लेकिन इसमें आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और ये रही साइड में M-Hawk की बैजिंग। तो इंजन अभी कितने का लीटर का आता है वो हम अभी आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये हमने देख लिया गाड़ी का एक्सटीरियर, अब मैं चलता हूँ आपको गाड़ी के अंदर लेकर। तो ये देखिए, मैंने खोल दिया है गाड़ी का गेट, और गेट खुलने के बाद जो महिंद्रा थार का जो डोर है वो काफ़ी वाइड खुला हुआ है। इस टाइप के कुछ आपको गेट को रोकने के लिए इसमें वो दिए गए हैं। बोलेरो में भी वैसे ही कुछ हुक दिए गए हैं, अगर ये ना हो तो जो गेट है पूरा का पूरा आपको पीछे तक खुला हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1 लीटर की जो बोतल है वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिरर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ये आपको लॉक अनलॉक सारे डोर्स को करने के लिए। ये डोर हैंडल है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा सा स्पेस है जिसे कि आप ग्रैब हैंडल की तरह ही यूज़ करने वाले हैं। बाकी जो सॉफ्ट मटेरियल जैसा कुछ भी इस गाड़ी में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर थार की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, जो मिरर है ग्लास है आपको ड्राइवर साइड का, इवन पैसेंजर साइड का भी वो काफ़ी लंबा चौड़ा वाइड सा आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, और अंदर जाते ही सबसे पहले जो एक चीज़ आती है सीट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट और लंबर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है सीट्स में। यहाँ से आप जो लंबर का जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं, और यहाँ से आप सीट की जो हाइट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंदर की तरफ अगर मैं बैठूँ गाड़ी में
अभी मैं ड्राइवर सीट पर बैठ चुका हूँ और ड्राइवर सीट से बैठने के बाद ओवरऑल आपको कुछ इस तरीके का गाड़ी में इंटीरियर दिखने वाला है। और यहाँ पर हम एक एक चीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँ मैं, तो ये आपको एसी के ब्लोवर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के जो बटन हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप हेडलाइट जो है उसको लेवल कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं, बीच में हॉर्न, और यहाँ पर आपको जो आपका म्यूज़िक सिस्टम है उसके कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। की अभी मेरे पास नहीं है, वो भैया दे नहीं रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको साइड में लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और इस तरफ आपको जो वाइपर हैं जो कि सारी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का है महिंद्रा थार का MID, और यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM मीटर है, और इस तरफ स्पीडोमीटर है जिस पर कि 180 की मार्किंग आपको दी गई है। तो स्टेयरिंग है वो इस गाड़ी का आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके का टेलीस्कोप एडजस्टमेंट इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। और जो स्पीकर की पोजिशन है वो काफ़ी मस्त है, यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको छत पर स्पीकर देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। और बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये है गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर ये ऑन ऑफ़ करने का बटन है, लेकिन अभी की नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप ऑन ऑफ़ नहीं कर पा रहे। ये हैं ब्लोवर्स एसी के, यहाँ से आप सारी एसी के कंट्रोल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको USB वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर आउटपुट है। और ये है इस गाड़ी का गियर लीवर, ये मैनुअल में है। 4-व्हील ड्राइव आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप क्लच को प्रेस करके 2-व्हील ड्राइव, 4-व्हील ड्राइव, न्यूट्रल और 4x4 पर यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 6 फ्रंट गियर और 1 रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। सामने की दोनों विंडोज आपको पावर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर उसके कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो स्पेस है कप होल्डर वगैरह वो दिए गए हैं। और ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक। और एक बार आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ये मतलब नाम मात्र का ग्लव बॉक्स है, काफ़ी छोटा सा ग्लव बॉक्स है। यहाँ पर कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं है, ये छोटा सा ग्रैब हैंडल इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर महिंद्रा थार की जो छोटी सी प्लेट है वो दी गई है, उसके नीचे यहाँ पर स्पीकर दिया गया है। तो ये हमने देख लिया जो फ्रंट सीट है ड्राइवर सीट से, वहाँ से महिंद्रा थार को। अब मैं जाने वाला हूँ पीछे की सीट पर। पीछे की सीट पर जाने के लिए आपको आगे वाली सीट्स को कुछ इस तरीके से आगे करना होगा, और उसके बाद आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। पीछे की तरफ कोई डोर नहीं है गाड़ी में। यहाँ पर जो पेट्रोल का कैप है वो देखने को मिल जाता है, और जाने में हल्की सी दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग व्हीकल के हिसाब से काफ़ी सही है। और अभी पीछे वाली सीट पर मैं बैठ चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन नॉर्मल कार्स में आपको पीछे की जो सीट देखने को मिलती है उससे जो सीट है काफ़ी छोटी है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो टायर के फेंडर्स हैं ये बाहर की तरफ ऐसे ही निकले हुए से दिख जाते हैं। टोटल ब्लैक कलर में इस गाड़ी का इंटीरियर दिख रहा होगा। बीच में आपको केबिन लाइट है, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर है, और किसी भी तरीके की कोई सनरूफ इस गाड़ी में नहीं है। ये जो एंटी रोल बार्स आप देख पा रहे हैं ये आपको थार में इनबिल्ट देखने को मिल जाएंगे। जो शीशा है गाड़ी का ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा सा है। बाकी पीछे की तरफ आप अगर देखें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इस गाड़ी में दिए गए हैं, और बूट स्पेस अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इतना है। और बूट स्पेस ये कितने लीटर का है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी कम है एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के हिसाब से। इसमें आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते। तो ये था भाई ओवरऑल इंटीरियर महिंद्रा थार का। अब हम देख लेते हैं इंजन को कि इंजन कैसा है गाड़ी में। सो बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ काफ़ी छुपा हुआ सा एक स्विच देखने को मिल रहा है। यहाँ से जब आप इसे खींचेंगे तो आपका जो बोनट है वो अनलॉक हो जाएगा, और वहाँ से खींचने के बाद भी आपको बोनट अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ये जो स्विचेज हैं हुक हैं इन्हें खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका जो बोनट है उसे ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का बोनट आप इसमें खोल सकते हैं। और ये है महिंद्रा का 2.2 लीटर का M-Hawk इंजन, जो कि आपको स्कॉर्पियो में भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा भारी भरकम सा इंजन देखने को मिल रहा है, और इसके साथ जो कंपनी है 15 की माइलेज क्लेम करती है। हालांकि जब आप इसे ऑफ रोड में अगर ले जाएंगे तो गाड़ी कितना पी जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑन रोड अगर आप हाईवे या सिटी पर चलाते तो मिक्स्ड कंडीशन में आपको जो माइलेज है वो 15 की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एयर
एयर फिल्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा ऊपर की तरफ आपको कोई भी इसमें इंसुलेशन के लिए पैडिंग नहीं दी गई है। ये है गाड़ी की बैटरी और ओवरऑल कुछ जो हुड है गाड़ी का ऐसा दिखता है। बंद करने के लिए भी आपको यहाँ पर जो हुक हैं वापस लगाने पड़ेंगे और ये प्रॉपरली बंद हो गए हैं। तो ये थी भाई महिंद्रा थार 2021 और इसकी जो प्राइसिंग है टॉप वेरिएंट की वो 16,25,000 रुपये आपको ऑन रोड भोपाल में देखने को मिल जाएगी। ये एक डेमो कार थी और यहाँ पर डीबी मॉल भोपाल में मुझे देखने को मिल गई। सो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना दिया। कार आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।